बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष किचन एट। फ्रेंड्स, अरवी आजकल सीज़न में है तो हमने सोचा इसके लिए, आपके लिए आज इसका बेहतरीन सा चिकन शोरबे में अरवी बनाई जाए। तो आज हम आपके लिए फिर बना रहे हैं अरवी चिकन शोरबा। इसके लिए ये आधा किलो अरवी ली है मैंने, टमाटर हैं, ये प्याज हैं बारीक चॉप कर लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, गर्म मसाला, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, दही, 750 ग्राम्स चिकन और ऑयल। अरवी सबसे पहले हम लेंगे, इसे छील कर हाफ, ये इस तरह से हाफ काट लेंगे और फिर इसे नमक लगा कर रख देंगे आधे घंटे के लिए और फिर इसे इस तरह अच्छे से ऐसे मल मल कर इसको धो लेंगे। तीन प्याज लिए थे, इन्हें ये इंतहाई बारीक मैंने मशीन में डाल के चॉप कर लिया है। हाफ कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। प्याजों को भून लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून भरकर लहसुन और एक ही टीस्पून भरकर अदरक का पेस्ट। दो टमाटर हैं पिसे हुए, इनका पेस्ट भी डाल देंगे। हल्का सा इन सबको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। 2-3 मिनट मसाला भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च, सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही हल्दी। और ये मसाले भी हम इसके साथ भून लेंगे। 3-4 मिनट मसाला भूना है। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और ये 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई हैं ये भी डाल देंगे और साथ ही इसमें चिकन डालेंगे और इसे भूनेंगे। ये 5 मिनट चिकन को भूना है। अब इसमें मैं ये अरवी डाल रही हूँ, इसे भी चिकन के साथ 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भून गया है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दही का पानी भी वेपरेट हो गया है। एक्चुअली इस डिश का जो मेन स्टेप है वो यही है कि आप इसका यहाँ पर चिकन और अरवी अच्छे से भून ली है, यहीं पे इसका टेस्ट बनेगा। वैसे तो ये सिंपल ही है लेकिन इसका सारा जो मज़ा है वो यहाँ पर इसको भूनने में है। तो अगर आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है और एकदम फ़र्क हो जाती है जैसे शुरू में हमने डाला था वैसे। ऑयल भी इसने छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अब इसमें इतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें तकरीबन मैंने 5 ग्लास पानी डाला है, मुझे तकरीबन इसका 4 ग्लास शोरबा चाहिए था। तो 1 ग्लास जो है वो पकते हुए इवेपरेट हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें चिकन ने गलना है और अरवी ने भी गलना है। ये देखें, अरवी हमारी इसमें गल गई है अच्छे से और चिकन भी गल गया है और जितना शोरबा हमें रिक्वायर्ड था ये सारा अब तैयार हो गया। इसे तकरीबन मैंने 15-20 मिनट पकाया है। बाकी बहरहाल आप अरवी अपनी चेक कर लीजिएगा, गल जाए तो ये रेडी हो जाएगा। अब आखिर में इसमें डालेंगे गरम मसाला
ये एक टीस्पून डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं ये हाफ टी स्पून डाली हैं, और ये हरा धनिया। नमक काइंडली टेस्ट कर लीजिएगा, शोरबे में अमूमन नमक कम हो जाता है। ये हमारा टेस्टी सा अरवी चिकन का शोरबा तैयार है, बेहतरीन सा शोरबा तैयार है। इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ इंजॉय करें, वैसे ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। काइंडली इसे ज़रूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।